जनता दल के जो लोग हैं किसी भी विषय पे शहर के लोग को जमा करते हैं किसी भी नाम से, लेकिन जब उनका जलसा होता है, मीटिंग होता है, तो सिर्फ उनकी जो उंगली उठती है वो एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी के तरफ ही उठती है। जब ये गठबंधन है तो इनको जो टारगेट करना चाहिए राष्ट्रवादी और दूसरी जो पार्टी है जो हमारे मुकाबले में आगे रहने वाली है। आज हमारा गठबंधन तो हम तो एक घर के है ना, कि अलग अलग है, लेकिन इन्होंने हमेशा घर में रहकर टारगेट घर वालों को ही किया। मुस्तकीम भाई जो है निहाल साहब के साथ चले हुए हैं, नॉलेज है, तजुर्बा है, लेकिन कैसा है, सच तो सच होता है। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है क्या काम हो गया है, वो तो कागज बताएगा ना कि बिल कब निकला है। देख रहे हैं अब तक न्यूज। आइए दर्शकों, एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं अब तक न्यूज पर। मैं जाबिर शाह। वैसे तो कई दिनों से मालेगांव शहर की जनता सियासी गर्मी की तलाश में थी कि मालेगांव शहर में ना कॉरपोरेशन के चुनाव हो रहे, ना असेंबली के चुनाव का भी वक्त है, लेकिन सियासी मामले में हलचल कुछ भी नजर नहीं आ रही थी। शहर शांति के साथ, अमन के साथ, खुशहाली के साथ चल रहा था, लेकिन मालेगांव शहर से जब मुंबई के अधिवेशन शुरू हुए, जब इजलास शुरू हुए, जो मानसून का जो इजलास था वो शुरू हुआ, और उसमें मालेगांव शहर के एमआईएम के आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी जब पूरी तैयारियों के साथ अधिवेशन में जब पहुंचे, और दूसरे सेशन में जब मालेगांव शहर की नुमाइंदगी की बात करते हुए कई विषयों पर आवाज उठाई, और जब सोशल मीडिया पर उसकी चर्चाएं होने लगी तो थोड़ी सी सियासत शहर में गरमाने लगी। जब मालेगांव शहर मुफ्ती इस्माइल कासमी का आना हुआ वापसी मुंबई से, और उसके बाद फिर मोहम्मदाबाद के इलाके में एक इस्तकबालियाई प्रोग्राम उनका रखा गया था, और वहां पर जो उनकी तकरीर हुई उसने इस शहर की सियासत में गर्मी पैदा कर दी। उनकी तकरीर के बाद दूसरी पार्टियों के सवाल जवाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्रकार परिषद और आगे के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि जब मुफ्ती इस्माइल कासमी का बयान आया, एक ही साथ दो पार्टियों के लीडरों को टारगेट किया गया, जिसमें जनता दल के सेक्रेटरी मुस्तकीम डिग्निटी पर सीधा आरोप लगाए गए कि बिना काम के 10 लाख रुपए का बिल निकाल लिया गया, तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला सदर और माजी आमदार साबिक एमएलए आसिफ शेख पर भी उन्होंने निशाना साधा। उसके बाद मुस्तकीम डिग्निटी का भी बयान आया और शेख आसिफ का भी बयान आया, तो वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो 4 से 5 घंटा पहले से चलना शुरू हुआ जो कमरों के बिल को लेकर था। इसके मुताबिक हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो कुछ सालों पहले सियासत में आया था, लेकिन सियासत में इतना नाम नहीं था, लेकिन कुछ सालों से वो नाम काफी चर्चित हो गया है, काफी चर्चा में हो गया है। हर कोई जब ये नाम सुनता है तो जान जाता है कि कौन है। जी हम बात कर रहे हैं मुफ्ती साहब के करीबी, मालेगांव शहर के एमएलए के करीबी रहे हुए, और उसके पहले सियासी लीडर जो मालेगांव में हुआ करते थे उनके भी करीबी माने जाते थे, हुसैन अंसारी से आज हम खुसूसी मुलाकात करने के लिए आए हैं कि जो सियासत गरमाई हुई है मालेगांव शहर में, और एक वीडियो अब आमदार मुफ्ती इस्माइल कासमी के बोलने के बाद के 10 लाख का बिल बिना काम के निकाल लिया गया, तो अब उसकी स्कूल का वीडियो चलाया जा रहा है, वहां के हेड सर से मुलाकात की जा रही है, सोशल मीडिया पर अचानक से वो बात सामने आने लगी। उसके लिए बात करने के लिए आए हुसैन अंसारी से। इस्तकबाल है आपका अब तक न्यूज चैनल के ऊपर, क्या विषय जो मुफ्ती साहब ने कहा कि 10 लाख रुपए का बिल स्कूल का बिना काम के निकाल लिया गया, लेकिन आज तो उसका वीडियो आया कि कमरे बंद कर पूरी तरीके से तैयार है, और हेड सर ने कहा कि वो हैंडवर्क भी मतलब उनको होने वाले है। जाबिर भाई बात ऐसी है कि जब एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने कल प्रोग्राम में बोला, उसके बाद में पूरे शहर में इस बात को लेकर के चर्चा होने लगी, और आज मैं भी देखा कुछ 2-4 घंटा पहले के क्लिप चल रही थी एक न्यूज चैनल पर कि काम हो गया है। बात ऐसी थी कि तकरीबन 4 महीना पहले हमको मालूम पड़ा एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को कि फला फला काम नहीं हुआ है और उसका कुछ बिल निकाल लिया गया है। साहब ने जो है पीडब्ल्यूडी के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि साहब वो आपके कुछ करीबी लोग थे, और मार्च में जैसे पैसा वापस हो जाता है, काम नहीं होता, स्टील वर्क में चले जाता, तो उन्होंने हमको अधूरा काम था उसकी फोटो बताए कि देखो ऐसा ऐसा है, और हम तो तुम लोग तो जानते हो कि हम एमएलए साहब के कितने करीबी, हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं, ऐसा बता करके उन्होंने बिल उस वक्त तो निकाल दिया। जब हमको 4 महीना पहले मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को जब मालूम पड़ी ये बात कि बिल निकल गया और काम मुकम्मल नहीं हुआ है,
उसकी जब चौकसी साहब ने करी तो वाकई में काम नहीं हुआ था। साहब ने फिर वापस ऑफिस के लोगों को बोला तो उन्होंने जो भी ठेकेदार था उसको बुला करके बोले तो उन्होंने फिर अभी 4 महीना पहले वो काम शुरू किया और तकरीबन 8 दिन पहले वो काम मुकम्मल हुआ। उसका फॉलोअप मैं खुद ले रहा था। हमारे जो इंजीनियर है अभी अभिषेक पाटिल साहब, वो मेरे रास्ते में थे जब से एमएलए मुक्ति साहब ने बताया था, तो साहब ने मुझको खुद बोला कि तू फॉलोअप लेते रहे, क्या चालू है। तो तकरीबन ये 4 महीने से काम फिर जो रुका हुआ था वो पूरा हुआ और तकरीबन 8 दिन पहले वो काम मुकम्मल हुआ है और उसके फोटो आप चला रहे हैं। आप देखो जाबिर भाई, अगर वो चल रहा है तो नई इमारत और जूनी इमारत दिख करके आती है, कितने दिन का पहले काम हुआ है और कितना अब हुआ है। नई इमारत है एकदम, और अगर काम पहले हो गया था, साहब ने जैसे बोले कि बजट जो था वो 2019 का था तो काम तो 20 में हो जाना चाहिए था, अभी तक के हैंडवर्क तो क्यों नहीं किए। दो रूम बनाने के लिए वक्त कितना लगता है, 4 महीना 6 महीना, 4 साल हो गया है। और रही बात कि सोशल मीडिया पर जो चल रहा है कि आज काम हो गया है, वो तो कागज बताएगा ना कि बिल कब निकला है, वो ना तुमको बताने की जरूरत है ना मुझे बताने की जरूरत है। सहरियान देखेंगे कि वो बिल कब निकला है, वो तो ऑफिस के लोग देंगे। मुस्तकिम डिग्निटी की तरफ से ये बात आई है कि उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उसमें कहा कि 2-3 दिन के बाद हम सारे कागजात और पेपर के साथ आएंगे कि कौन कितना अपने उसमें है। उन्होंने एक शेर के जरिए मतलब पूरी बात उसमें मतलब निचोड़ दी, तो उस पर मतलब आप क्या कहेंगे? देखो कैसे है ना, मुस्तकिम भाई जो है निहाल साहब के साथ चले हुए है, नॉलेज है, तजुर्बा है, लेकिन कैसा है, सच तो सच होता है। मेरी ऐसी मालूमात है कि उनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन अब कोई भी आदमी के ऊपर एक आरोप लगता है तो वो सफाई देता है, राजकारण का एक हिस्सा है ये। मुझे ऐसा लगता है कि 2019 में तो मैं कुछ जिम्मेदारी निभा नहीं रहा था, उस वक्त तो मुक्ति साहब के सबसे करीबी जो थे वो मुस्तकिम भाई थे, वही पूरा पेपर वर्क को कैसे करना है, बजट कहाँ डालना है, क्या करना है, उस टाइम की वो बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपको बोला है कि 2-3 दिन में कुछ वो बताने वाले है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो यही बोलेगा कि मैं क्या कोई ठेकेदार हूँ, मेरे नाम पे लाइसेंस है, मेरी एजेंसी है, मैंने तो सिर्फ वो काम सुझाया था कि भाई ये काम करना चाहिए, ये बोलेगी और क्या बोलेगी उसके अंदर। पीछे मुझे ऐसा लगता है कि 6-8 महीना पहले टास्कन बाग के काम में एमएलए मुक्ति इस्माइल कासमी साहब ने बोला था कि कारपोरेशन की नालायकी की वजह से बच्चाओ साहब ने जो यूनिवर्सिटी डबल डबल दे दी थी, एक खुद मेरा अपना वार्ड है, वार्ड नंबर 6 में टीएम स्कूल वाला था, उसका टीएम स्कूल की जो गली थी उसकी डबल यूनिवर्सिटी थी, लेकिन वो काम हम चाहते थे कि यार काम हो शहर का, किसी भी हाल में जो आज इतना शहर जो खंडर हो गया था उसको किसी भी तरीके से दुरुस्त करना है। तो साहब ने बोले कि यार चलो वो चेंज नहीं करते हुए वो काम दूसरे तरफ कर दो, काम पलटाया गया, काम पलटा दिए, मेरी गली बनी आप खुद देखे थे आकर के। उसके बाद में इफ्तिकार मुन्ना यारू सेठ की एक गली उसके अंदर बनी थी। इसी तरह हमारा दूसरा काम जो था वो नंदी आला पेट्रोल पंप जो है अपना आगरा रोड कर ऊपर, वो भी काम जो था वो शेख आसिफ साहब के बजट से हो चुका था, तो हमने वो बजट उठा करके तास्कन बाग में मतलब डाल दिए थे। लेकिन हमारा जो है पेपर वर्क को चालू था, फिर हम लोग सोचे कि यार ये काम तो अपन डाल दिए, लेकिन अब ये करने जाए तो उसको 1 साल लग जाता पेपर को, आप जानते हो कारपोरेशन की यूनिवर्सिटी लेना, पीडब्ल्यूडी की यूनिवर्सिटी लेना, कलेक्टर साहब की मंजूरी लाना। तो जब हमने अधिकारियों से बात करे मुक्ति साहब हम लोग, तो उन्होंने बोले कि साहब वर्क ऑर्डर हो जान दो, वर्क ऑर्डर होने के बाद तुम एक लेटर देना, अपन लोकेशन चेंज कर देंगे, हो सकता है एक बात वो बोले। और दूसरा हमारा जो काम था नयापुरा गली नंबर 15 और 14 में, बजट तकरीबन वो 2021 और 22 का था, आमदार निधि हमने जो है 15 नंबर पूरी गली डाली हुई थी, 14 नंबर पूरी डाली थी, लेकिन जब हमने वो काम शुरू किया तो काम हमको खुद अच्छा नहीं लगा कि यार अब शहर का एक माहौल बन चुका था कि रोड अगर सीमेंट रोड कहीं बन रही है तो वो 10 इंच और 12 इंच बन रही है। अब हमारा जो 21 और 22 का बजट था तो उसके अंदर 6 इंच बन रहा था, तो साहब बोले यार इसके अंदर क्या करते आ सकता है। तो हम लोग गए और उस वक्त के जो साहेब थे पीडब्ल्यूडी के, उनको बोले कि यार ऐसा ऐसा, तो उन्होंने बोला ठीक है साहब तुम्हारी है आमदार नहीं दिया, तुम तुम्हारी मर्जी से इसको खर्च कर सकते, कोई दूसरी अगर मिनिस्टर से लाते, कोई दूसरी स्कीम में से लाते तो उसमें दिक्कत और प्रॉब्लम हो सकती थी। तो बोले ऐसा करो कि जो 14 नंबर गली का भी काम है वो उठा करके तुम इधर कर दो, तुम भी 10 इंची और 12 इंची रोड बना सकते। तो एक काम वो बताएंगे कि यार गली नंबर 14 का जो बजट था वो कहाँ गया, जबकि उसको हमने डबल कर दिए गली नंबर 15 के अंदर। और एक काम हमारे यानी 75 लाख रुपए का वो पूरा काम था गली नंबर 15 में, एक जो था हमारा विकार सेठ के घर से लेकर के कुछ ऐसा था, लेकिन कुछ रोड पहले बन चुका था ये साइड में, तो हमने क्या किया वो 25 लाख रुपया
कुछ रोड वहां बना विकार सेठ के वहां, उसके बाद में जो बचा सुलेमानी मस्जिद वाली जो गली बची थी, बहुत लोगों को दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, उन्होंने अर्जेंट में बोला साहब को, साहब बोले ये कौन डेटी बच रही है तो वो डाल दो, तो हमने सुलेमानी मस्जिद वाला रोड अलहमदिल्ला। लेकिन अगर कागज पर अगर वो देखा जाए तो ये माना जाएगा कि ये रोड का काम डाला गया था जिस नाम के साथ, वो गली में काम नहीं हुआ और बिल निकला, तो ये एक आरोप के तौर पे मतलब देखा जा सकता है। नहीं, अगर देखो ये आरोप के तौर पे देखा जाता है, अक्सर शहर में ऐसा होता है कि काम जैसे कुछ होते हैं, नगर विकास के ले लो, अल्पसंख्या के ले लो, आमदार निधि के बोलो, ये सब पेपर वर्क को करने में और बजट लाने में एक वक्त लगता है। जब तक कि अगर कारपोरेशन अपना कोई बजट वहां पर डाल देती है या कोई दूसरा लीडर डाल देता है, ऐसा तो है नहीं कि सब आपस में बात करके अपना अपना काम सुझाएंगे और करेंगे, सब अपने अपने एरिया के हिसाब से और वो देख करके काम डालते हैं, तो काम अक्सर टकरा जाते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग मुफ्ती साहब की जो काम है, लोगों को उम्मीद नहीं था कि MLA मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब इस कदर तक के मतलब काम कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा चाहते थे कि हम हैं तो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब काम कर रहे हैं, हम नहीं है तो नहीं होगा। अब जो हिसाब से दोनों तरफ से सियासी और लफ्जी जंग एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे, पहले जनता दल की तरफ से आरोप, फिर अब मुफ्ती साहब की तरफ से आरोप, तो ये सब तो एक महागठबंधन का एक हिस्सा है। अब इस तरीके के दो एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं तो महागठबंधन कितना मतलब रह सकता है? क्या महागठबंधन अभी भी मजबूत है या फिर इसमें दरार आ गई? जाबिर भाई, पहले तो मैं बात थोड़ी अधूरी रह गई थी वो मैं कर देता हूँ। गली नंबर 14 की हमने आधा काम फिर भी साहब ने बोला कि यार देखो मालेगांव के लोग है और यहाँ पर कुछ लोग है जो मेरे पीछे लगे हुए रहते हैं, लोग सही काम को झूठ बताते, हमारे सही काम को झूठ बताएंगे लोग जो हुआ है जमीन पर। ठेकेदार को फिर भी साहब ने कहा कि तुम जो ये रोड था 14 नंबर गली का वो पूरा कर दो, आधा हुआ है और आधा बाकी है। लेकिन इसी तरह जो मैंने अभी आपको बोला कि ताशकंद बाग का हमारा पेपर वर्क पूरा हो चुका था, उसी तरह हमने सोचे थे कि यार ये 15 नंबर गली का जो पूरा काम हो गया है अब अपने 14 का भी करना है। लेकिन साहब बोले कि ये सियासी इशू बन सकता है, ठेकेदार को बोले तू कुछ भी करो काम पूरा करके दे। लेकिन जब तक के वार्ड गली नंबर 14 का हमारा पेपर वर्क हो चुका था, ये जो टेंडर अभी हुए उसके अंदर गली नंबर 14 का भी टेंडर है जो मैंने अभी आपको बोला कि टेंडर होने के बाद साहब उसका लेटर दे के वो काम अपन दूसरे तरफ, और ऐसे अक्सर होता है कि गली में ये काम डाले अपन आसपास के काम कर सकते हैं, उसी तरीके से ये काम हुआ, गली नंबर 14 का उठा करके 15 में डाले और अभी नए टेंडर में वापस हमने गली नंबर 14 डाले थे। लेकिन साहब ने मना कर दिया था कि नहीं, वो ठेकेदार को बोलो किसी भी हाल में तू करके दे, और जो अभी टेंडर हुआ था वो उसका लेटर दे करके हम लोग लोकेशन चेंज करने आले थे। महागठबंधन का जो सवाल है, क्या महागठबंधन अभी भी कायम है? दोनों तरफ से अब मतलब लफ्जी जंग शुरू हो चुकी है, पहले जैसा था कि एक ही तरफ से हमला हो रहा था, दूसरी तरफ खामोशी छाई हुई थी, लेकिन अब दूसरी तरफ से भी मतलब बड़ा मिसाइल दागा गया है। देखो बात ऐसी है ना जाबिर भाई कि मुफ्ती साहब कभी किसी को कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ अपना काम करते है। गठबंधन पे मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं अपने दिल की एक बात तुमको बताता हूँ। पूरे मालेगांव में गठबंधन बनने का सबसे बड़ा फायदा तो मुझे होगा, क्योंकि मैं इच्छुक हूँ वार्ड नंबर 6 से मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। आप भी इसी वार्ड के हो, आप जानते हो कि जब गठबंधन हो गया तो सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? मुझको होगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ साल दो साल से, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन आप पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ, जनता दल के जो लोग है किसी भी विषय पे शहर के लोग को जमा करते हैं किसी भी नाम से, लेकिन जब उनका जलसा होता है, मीटिंग होता है, तो सिर्फ उनकी जो उंगली उठती है वो MLA मुफ्ती इस्माइल कासमी के तरफ ही उठती है। जब ये गठबंधन है तो इनको जो टारगेट करना चाहिए राष्ट्रवादी है और दूसरी जो पार्टी है जो हमारे मुकाबले में आगे रहने वाली है। आज हमारा गठबंधन तो हम तो एक घर के है ना, कि अलग अलग है, लेकिन इन्होंने हमेशा घर में रहकर टारगेट घर वालों को ही किया। आप देख लो एक साल से सोशल मीडिया पे मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ना राष्ट्रवादी के लोग जनता दल के बारे में कुछ लिखते हैं और ना जनता दल के लोग राष्ट्रवादी के बारे में कुछ लिखते हैं। राष्ट्रवादी के लोग भी टारगेट MLA मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को करते हैं, जनता दल के भी जो लोग है वो टारगेट जो है MLA मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को करते हैं। किसी भी नाम पर ये कोई भी धरना हो, आंदोलन, अभी आप देख लो चरखा आंदोलन जो रखा हुआ था जनता दल के तरफ से, उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट पे दबदबा कैसे बने, शहर का जो हालात है, पुलिस डिपार्टमेंट दो आंखों से देखता है शहर को, ये सब विषय पे बोल के लोगों को उन्होंने जमा किया। आप उनकी बाइक उठा करके देखो, चाहे मुस्तकीम भाई हो, साने हिंद साहिबा हो या मैडम हो, तीनों ने टारगेट जो है MLA मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को किया। अगर इस तरीके से वो करेंगे तो कैसे गठबंधन निभेगा आप बताओ? वो तो बहुत मजबूरी में
मुफ्ती साहब ने अब बोला है 2-3 साल के बाद, कभी मुफ्ती साहब ने बोला ही नहीं है जनता दल के बारे में। वो भी उनको ऐसा लगा कि जैसे 2019 में उन्होंने बजट दिया था सर्कल का, दरे गांव का, 4 साल में नहीं, वो मुफ्ती साहब सोचे ये इन्होंने जो 12 टेंडर भरे अगर भर दिए तो ये काम भी नहीं होगा ना। वो जो 30 लाख रुपए का जो काम था, क्या वो बजट कोलैप्स हो गया? नहीं, लेप्स तो नहीं हुआ, वर्क ऑर्डर हो गया, बस रुका हुआ है। हो सकता है कि उसका एस्टीमेट जो था 20 लाख का 22 लाख रुपए का हो जाएगा, इतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा करने के पीछे मतलब जनता दल की क्या मंसूबाबंदी है? कहीं वो एमएलए साहब को मतलब क्या उनकी छवि को खराब करना चाहते हैं क्या? वो तो आप लोग देख रहे हो 1-2 साल से क्या हो रहा है, आप मीडिया वाले देख रहे हो, जितने उर्दू पेपर वाले हैं नुमाइंदे वो देख रहे हैं, सहरियान देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहे हैं। कुछ ऐसी बात तो है नहीं कि मालेगांव की नहीं है, मालेगांव से हट के बाहर की बात है, शहर की बात है ना, सारे सहरियान जानते हैं कौन किसको टारगेट कर रहा है। दरअसल मुझको ऐसा लगता है ना कि इनको ऐसा लगता है कि इनका जब एक वक्त था जनता दल का शहर में, मुफ्ती साहब के आने के बाद में जो जनता दल के मानने वाले थे वो मुफ्ती साहब के मानने वाले हो गए, इनका जो वोट बैंक था ये पूरी तरीके से सरक गया। तो ये लोग कहीं ना ये सोचते हैं, नींद में भी वही सोचते हैं, यार टारगेट जो है मुफ्ती इस्माइल कासमी को करो, ये जाए तो अपना जो वोट बैंक है वो वापस आएगा। लेकिन कैसा है ना, हर चीज का एक वक्त रहता है। आज वक्त जो जनता दल का नहीं है, मुस्तकीम भाई का नहीं है, उन्होंने सोचना चाहिए। वो अक्सर बोला करते हैं नदी के इस पार नदी के उस पार, नदी के इस पार नदी के उस पार। उन्होंने आज जो 12 टेंडर भरा है जिसकी वजह से तकरीबन 3 करोड़ रुपए का वो काम है, आमदार साहब को ऐसा लगता है कि जिस तरह उन्होंने 19 में किया था ये काम भी लेके करे, तो ये एक हिसाब से शहर का काम रोकने के लिए ही किया गया है ना। आज ये काम 3 करोड़ के होते तो फायदा किसका होता है, सहरियान का ही होता ना। उसके अंदर हमारा जो हुसैन सेठ कंपाउंड के 2 काम है 25-25 लाख रुपए के, तकरीबन लल्ले चौक में आज जो स्कूल की बच्चियां आती जाती है जेटी स्कूल से लेकर के हंती सुनिया मदरसा वाला रास्ता है वो डाला हुआ है, आप देख लो कितना ज्यादा खराब है वो रास्ता डाला हुआ है। बिस्मिल्लाबाद में एक है जो साइजिंग के पास में गट नंबर 111 कुछ है, वहां पर लोग बहुत दिक्कत का सामना कर रहे हैं। वो ऐसे यानी सब जरूरी काम अपने डाले इन्होंने, लेकिन आज जो ऐसा किया और टेंडर भरा उसको ऐसे तो एक तरीके से शहर का काम, शहर का विकास, शहर की तरक्की को रोकने के लिए किया गया है ना। नाजरीन, ये थे हमारे साथ में हुसैन अंसारी। इनसे मुलाकात का मकसद ये था, मतलब ये था, क्योंकि आज की पोजीशन में सारे कामकाज पीडब्ल्यूडी विभाग से चलने वाले और आमदार निधि से होने वाले सारे कामों पर इन्हीं की नजर होती है और सारे पेपर वर्क यही देखते हैं, यही करते हैं और इन्हीं का जाना आना है। इसीलिए जो विषय चल रहा था 2 कमरों का 10 लाख रुपए के बिल का, जो बिना काम के बिल निकाल दिया गया, फिर अचानक से उस कमरों का काम मुकम्मल होने का वीडियो सामने आ जाता है। शेख आसिफ का अल्टीमेटम 3 दिन के बाद का होता है, तो मुस्तकीम डिग्निटी कहते हैं कि पेपर वर्क के साथ सारी बातें करेंगे, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती थी कि शहरियान तक बातें पहुंचना चाहिए। इसीलिए हुसैन अंसारी से संपर्क किया और सच्चाई आपके सामने लाई है, फैसला आपको करना है कितना सच कितना झूठ। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाइए कि आपको हमारा यह इंटरव्यू कैसे लगा। आप देख रहे थे अब तक न्यूज, में जाबिर शाह, कैमरामैन ख्याल असर के साथ फिर किसी नए सवाल के साथ हाजिर होऊंगा। जय हिंद।